हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और हम करने जा रहे हैं ये फोर्थ सम है 3.4 प्रैक्टिस सेट का। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखो क्या है ना, आरएस डायमीटर है। आरएस जो है ये आपका डायमीटर है, आरएस पूरा डायमीटर है और पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर साइड है, बाहर कहीं पे एक पॉइंट टी, बराबर पॉइंट टी। सो ऐसे केस में क्या बोला है वो कि प्रूव दैट आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। कौन सा? आरटीएस। तो क्या करो, पहले ज्वाइन करो आरटी को। सो आरटीएस बना दिया मैंने, आरटी और टीएस को ज्वाइन कर दिया। अब एक और चीज़, आप एक काम करो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आर एस सपोज यहाँ पे नाम इसका पी कर दो। अच्छा, इतना करने के बाद आप देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूफ करना है। सो देखो, गिवन और टू प्रूव आप समर लिख लेना खुद से, मैं प्रूफ पार्ट बता रहा हूँ आपको। देखो, सिंस आर एस इज अ डायमीटर, सो देयरफॉर मेजर एंगल आर पी एस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री हुआ, क्यों? क्योंकि भाई डायमीटर सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, बराबर। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। और पी टी एस जो ट्रायंगल है उसमें जो एंगल टी और एंगल एस का सम 90 होगा, क्योंकि देखो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे कि इसमें अगर ये 90 है तो बाकी दो 90 होंगे, तो ऑब्वियसली एंगल टी जो होगा वो 90 से कम ही होगा, क्योंकि टी और एस मिला के 90 हो रहे हैं। मतलब एंगल टी जो है वो 90 से थोड़ा कम ही होने वाला है। देखो, एंगल टी प्लस एंगल एस मिल के 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एंगल टी जो है वो 90 माइनस एंगल एस है। मतलब एंगल एस नेगेटिव तो नहीं होगा ना यार, एंगल एस पॉजिटिव होगा। इसीलिए सपोज एंगल एस होता है 20 डिग्री, सपोज एंगल एस 30 डिग्री, कुछ भी हो 90 से तो कम ही होगा। इसका मतलब ये है कि एंगल टी ऑलवेज मेरा 90 से कम होगा, और 90 से कम होने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसी चीज़ को चलो मैं बताता हूँ, प्रेजेंट करके बताता हूँ। सो ये 90 डिग्री हुआ क्यों? उसका रीज़न, ये उसका रीज़न है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कमफेरेंस, ऑन सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो गया। सो देयरफॉर मेजर एंगल टी पी एस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, लीनियर पे ना। सो टी पी एस मेरा 90 होगा, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल पी टी एस एंगल एस पी टी प्लस एंगल पी एस टी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल एस पी टी जो है वो 90 है, प्लस एंगल पी एस टी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल पी एस टी प्लस एंगल टी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल टी क्या हो जाएगा मेरा? 90 माइनस एंगल पी एस टी। और एंगल पी एस टी कोई तो पॉजिटिव एंगल है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल टी जो है ना वो 90 से लेस है, क्योंकि 90 माइनस करने के बाद, 90 माइनस कोई एंगल करने के बाद ही एंगल टी आएगा। देयरफॉर माई एंगल टी इज ऑलवेज लेस देन 90, और लेस देन 90 को क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। सो देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल। समझ में आया दोस्तों? इजी है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं है। फिर भी डाउट होगा तो मुझे कम्युनिकेट कर सकते। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।